निघासन तहसील क्षेत्र के गांव फर्दिया में पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड बनाने के कार्य में जलाई जा रही आग से निकली चिंगारी ने कुछ ही देर में पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप लेते हुए गांव के करीब 100 घरों को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, अचानक लगी आग की चपेट में आने से ग्रामीणों के घरों में बंधे करीब 100 से ऊपर पालतू पशुओं के भी मरने की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटों में ग्रामीणों का घरेलू सामान, बाइकें, कार, ट्रैक्टर व पानी का इंजन सहित लाखों रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी समय बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर गांव में पहुंची तहसील की टीम ने आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। कुछ समय बाद गांव से आग की लपटें तो बुझ गई, लेकिन उन लपटों से हुए नुकसान का दर्द लंबे समय तक ग्रामीणों के दिलों में बना रहेगा। एसडीएम मनशाराम वर्मा का कहना है कि आग से हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हाँ, रोड बना रहे हैं, उनको हमने मना किया, वो नहीं माने हमारी बात। हम कहो ना अभी आग बुझा दो, आग लग जाएगी, इससे आंधी चलती है। वो नहीं माने, अपन जबरदस्ती जलावत रहे आग। उससे गांव 250 गांव में यहाँ बकली जल गई है, 250 और 100-150 ले जानवर जला है गांव में। मेरा भी बहुत नुकसान भया है, मेरे भी जानवर बहुत जले हैं और गाड़ी मोटर साइकिल जल गई है और इंजन दो जल गए ठोर है। घर में कुछ नहीं बचा है, 50,000 मेला रुपया भी जल गया है, आदमी लेकर आ रहा है। हमारा नाम श्री राम है, रोड बनाने का यहाँ मनहा नहीं भेज, बिल्कुल मनहा कर।